जहानाबाद जिले में लॉकडाउन लगने के बाद जिला प्रशासन इन दिनों सख्त दिख रही है। कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने के लिए हमेशा सजग रहने को लेकर अभियान चला रही है। डीएम नवीन कुमार, पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन, एसडीएम निखिल धनराज, एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे सहित कई अधिकारी सड़क पर उतरकर अपने पुलिस बल के साथ लोगों को समझाते दिखे। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। विभाग के द्वारा उसको पूरी तरह अक्षरता पालन कराने के लिए हम एसपी साहब, एएसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, पूरी हमारी जो टीम है वो निकली है और पूरे जिले का आज हम लोग भ्रमण करेंगे सुबह से शाम तक। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग को फोकस करने की ज़्यादा आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट जिले का घटा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी यथावत है, उसको भी कम करने की आवश्यकता है। उसको हम लोग कम करने के लिए आज पूरी टीम हम लोग की निकली है और सभी जगह हमारे जो वरीय प्रभारी है वो भी उसका इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। कठोरता से हम लोग इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना परपस्ती नहीं निकले, केवल अति आवश्यक सेवा के लोग निकलें। किसी तरह का वाहन जो बिना काम के हैं या जो ऐसे काम जिनको बाद में भी कर सकते हैं वो निकलते हैं, तो उनके हम लोग फाइन इम्पोज कर रहे हैं, गाड़ियां सीज कर रहे हैं और सभी लोगों को पनिश कर रहे हैं। बेवजह घूमने वालों को क्या कहना चाहेंगे सर? बेवजह घूमने वालों को हम लोगों ने कहा है, अभी हमने बताया भी है कि बीमारी जब हो जा रही है तो काफ़ी परेशानी हो रही लोगों को। तो मैं पुनः सभी जहानाबाद वासियों से अपील करूँगा कि खुद भी घर में रहें, अपने बच्चों को घर में रखें, बुजुर्गों को घर में रखें, कम से कम घर से बाहर निकलें। और यदि बेवजह निकलने वाले हमें दिखेंगे, आज हम लोग इसमें सभी लोगों को आगाह कर रहे हैं, कल से उनपे भी हम लोग कोविड आपदा एक्ट जो हमारा है उसके अंतर्गत हम लोग उन पर भी कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे और उस पर न्यायसंगत कार्रवाई करेंगे। हाँ, जितने लोग ऐसे थे जो स्वास्थ्य सेवा के लिए अन्य अति आवश्यक कार्यों के लिए जा रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने जाने दिया है, और जो ऐसे लोग जो अनपर्पसली या जिनका काम ऐसा था जो बाद में भी कर सकते थे, ये जो समय 15 मई खत्म होने के बाद भी वो कर सकते थे, वैसे लोगों का हम लोगों ने वाहन जब्त किया और उन पर फाइन भी इम्पोज किया। फिलहाल शहर में कितने कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं? टोटल शहर में अभी तक 10 कंटेनमेंट जोन पूरे नगर परिषद क्षेत्र में हैं और उनमें तो पहले से हम लोगों ने सारी जो कंटेनमेंट जोन की जो नियम है उनको हम लोगों ने लागू करा रखा था, लेकिन आज से जो सरकार के द्वारा एडिशनल जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो बंदिशें की गई हैं, उसको हम लोग लागू करा रहे हैं।